Hello friends, friends, I am Priyanka and you are watching Priyanka's teaching. Friends, today I am going to explain you the poem Evening on a Mountain. Friends, this beautiful poem is written by Adil Jhusawala. Friends, he is an Indian writer. He was born in Mumbai in 1940 and after completing his schooling, he went to Oxford, England. He worked as a teacher there, and after that in 1970 he came back in India. He was a very good writer as well as he was a lecturer, a translator, and so many other roles he has played. Now I am going to explain you the poem stanza wise, but before that I want to tell you that this poem contains 3 stanza and each stanza contains 3 lines. But one more line is given over to here. Friends, this poem is a free verse poem because no rhyming scheme is there. Now I am going to do third reading of the poem and after that I will explain you the poem stanza wise. Okay, friends? Okay, so let's start it. The valley sun itself all day, its span curving up to foothills, then the shadows crossed like wings across its back further. Fairies embroidered a slim lake, stitching silk into its cotton, prows snipping. How still it was then, the sky thin and hollow, deflecting the words stoned across the valley, the ears straining at each rebound far off, a cloud launched from a rock streaked north like a startled. Friends, this poem is set during the evening. ये जो कविता है ये एक वैली के दृश्य को शाम के टाइम में जो है पोएट के द्वारा इसका वर्णन किया गया है. मीन्स वी कैन से इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स द पीसफुल एटमोस्फियर एंड द सर्वाइवल एलिमेंट्स, वेरी विजुअल एलिमेंट्स प्रेजेंट ड्यूरिंग द इवनिंग ऑन अ माउंटेन. इस कविता में जो पोएट है वो पूरे एक वैली के दृश्य को, एक पीसफुल एटमोसफियर को एक्सप्लेन कर रहा है, उन सारे एलिमेंट्स को बता रहा है जो शाम को एक माउंटेन के आसपास होते हैं. एंड द पोएम इज डिवाइडेड इंटू 4 स्टेंजास, ईच हाईलाइटिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सीन. जो जितने भी स्टेंजास हैं कि सारे स्टेंजा, यू कैन से 3 स्टेंजा बिकॉज इन लास्ट स्टेंजा ओनली 1 लाइन इज देयर. तो ये जो सारे स्टेंजास हैं वो नेचर के डिफरेंट सीन्स को जो है डिस्क्राइब कर रहे हैं. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू स्टेंजा वाइज. फर्स्ट स्टेंजा इज द वैली सन इटसेल्फ ऑल डे. ये जो वैली है, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट वैली इज अ प्लेस बिटवीन 2 हिल्स, दो पहाड़ियों के जो बीच की जगह होती है हम उसे वैली कहते हैं. और यहाँ पे जो पोएट है वो कह रहा है कि द वैली सन इटसेल्फ ऑल डे, ये जो वैली है ये पूरे दिन जो है वो धूप में खड़ी रहती है और धूप में चमकती रहती है. सन मीन्स चमकना, धूप को सेकना. ये जो वैली है पूरे दिन धूप को सेकती रहती है. इट्स स्पान कर्विंग अप 2 फुट हिल्स, क्या होता है, दो पहाड़ियों के बीच का ये जगह होता है. तो इन दोनों पहाड़ियों के निचले हिस्से को जो पोएट है उसने फुट हिल्स कहा है. और पोएट कहता है स्पान का मतलब होता है ना समय का गुजरना, ठीक है, लेंथ ऑफ समथिंग, लेंथ ऑफ टाइम. तो पोएट यहाँ पे कहता है कि जैसे जैसे समय गुजरता जाता है ये जो हिल्स हैं इनकी परछाइयाँ वो क्या करती हैं, वो एक कर्व बनाती जाती है, एक आकार बनाती जाती है फुट हिल्स पे. देन द शेडो क्रॉस लाइक विंग्स अक्रॉस इट्स बैक फर्दर. और यहाँ पे पोएट डिस्क्राइब करता है कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है ये जो परछाई है वो बिल्कुल वैली के दो पंखों की तरह लगने लगती है. मीन्स इन दिस स्टेंजा द पोएट इज डिस्क्राइबिंग द ब्यूटी ऑफ द वैली. इस स्टेंजा में जो पोएट है वो वैली की ब्यूटी को डिस्क्राइब करते हुए कहता है कि ये जो चमकती हुई घाटी है इसके जो शेडो बनते हैं वो बिल्कुल एक समय के बाद जैसे जैसे ये शेडो बड़े होते हैं ऐसे लगते हैं कि मानो वैली को क्या लग गए हों, पंख लग गए हों. नाउ कम ऑन द सेकेंड स्टेंजा. फेरीज एम्ब्रॉयडर्ड अ स्लिम लेक, स्टीचिंग सिल्क इंटू इट्स कॉटन, प्राउज स्निपिंग. हाउ स्टिल इट वॉज देन, द स्काई थिन एंड हॉलो. पोइट यहाँ पे दोनों पहाड़ियों के बीच से, वैली के बीच से होते हुए जो एक स्ट्रीम आ रही है, एक जो लेक झील बह रही है उसको डिस्क्राइब करते हुए कहता है
कि इस झील में बहने वाली फेरीज, फेरीज क्या है? फेरीज यहाँ पे छोटे छोटे वो नाव हैं जो पैसेंजर्स को या चीजों को एक किनारे से दूसरे किनारे पे ले जाती हैं। तो पोएट यहाँ पे इन फेरीज को डिस्क्राइब करते हुए कहता है कि जिस तरीके से एक कॉटन के क्लोथ पे सिल्क के थ्रेड से कढ़ाई की जाती है और वो बहुत सुंदर लगती है, ठीक उसी तरह से इस लेक में ये जो फेरीज हैं, ये जो छोटे छोटे नाव हैं, बिल्कुल उस कढ़ाई की तरह लग रहे हैं जैसे हम कपड़ों पे करते हैं। एंड प्रॉज नीपिंग, ये क्या कर रहे हैं? प्रॉज मीन्स फेरीज के आगे का हिस्सा, इसके जो आगे के हिस्से हैं इस फेरीज के, इस नाव के, वो पानी को चीरते हुए, स्नीपिंग करते हुए क्या करते जा रहे हैं? आगे बढ़ते जा रहे हैं। हाउ स्टिल इट वॉज देन। और पोएट यहाँ पे कहता है कि इन सारी चीजों के बीच में ये जो वैली है वो कितनी शांत है, कितनी स्टिल है, कितनी काम है, कितनी ट्रैंक्वल है। द स्काई थिन एंड हॉलो, फिर पोएट यहाँ पे नेचर को डिस्क्राइब करते हुए कहता है कि एज इट इज अ सनी डे, जैसा कि ये धूप वाला दिन था दिन में, सो इन द इवनिंग द स्काई इज थिन एंड हॉलो, और इसलिए शाम को जो आसमान है वो कैसे है? हल्के हैं, हॉलो है, ठीक है। देयर इज नो मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स इन द स्काई, बिल्कुल बादल जो है वो क्या है? साफ है। नाउ कम ऑन द लास्ट स्टेंजा, इन दिस स्टेंजा द पोएट इज सेइंग डिफ्लेक्टिंग द वर्ड्स स्टोन्ड अक्रॉस द वैली। डिफ्लेक्टिंग मीन्स क्या होता है? डिफ्लेक्टिंग मीन्स होता है चेंजिंग डायरेक्शन, डायरेक्शन को क्या करना? चेंज करना। पोइट यहाँ पे कहता है कि मैं यहाँ खड़े होके वैलीज में जब मैं कुछ बोलता हूँ, आप लोगों ने भी सुना होगा फ्रेंड्स कि जब हम किसी खाली कमरे में या ऐसे खुली जगह पे जब कुछ बोलते हैं तो चीजें क्या करती हैं, जो हमारी आवाज है वो इको करती है, टकरा के वापस आती है और हमें दोबारा खुद की अपनी आवाज सुनाई देती है। तो पोएट यहाँ पे कहता है कि जब मैं वैलीज में खड़े होकर कुछ बोलता हूँ तो ये जो आवाज है वो क्या करते हैं? वर्ड्स स्टोन्ड अक्रॉस द वैली, ये सारे शब्द जो है पूरी वैली में चट्टानों से, पत्थरों से टकरा के अपने डायरेक्शन को चेंज करते हैं और वापस मेरे ही पास आते हैं। द ईयर्स स्ट्रेनिंग एट ईच रीबाउंड फार ऑफ, और कहता है यहाँ पे पोएट कहता है कि जो ये आवाज है वो बहुत दूर से कहीं जो है रिबाउंड होके टकरा के वापस मेरे कानों को आके क्या होते हैं? सुनाई देते हैं। रीस्ट्रेनिंग मीन्स होता है कुछ जो हम फिजिकल और मेंटल जो है हम एफर्ट कर रहे होते हैं, उसको कह रहा है यहाँ पे कि उसको हम क्या करते हैं? दोबारा सुनते हैं उस आवाज को। अ क्लाउड लॉन्च्ड फ्रॉम अ रॉक स्ट्रीक्ड, स्ट्रीक्ड मीन्स होता है, मतलब स्ट्रीक को तो यहाँ पे लाउड मतलब साउंड के लिए यूज किया गया है। और पोइट कहता है कि ये जो बादल है ये क्या करते हैं? ये भी एक स्ट्रीक साउंड, एक लाउड नॉइज, एक जोर से आवाज करते हैं और वो आवाज जो है रॉक से टकरा के मुझे वो आवाज भी सुनाई देता है। एंड दैट वॉइस इज वेरी वॉट? वेरी लाउड, नॉट लाइक अ स्टार्टल्ड बर्ड। स्टार्टल्ड मीन्स होता है फ्रेंड्स सरप्राइज्ड, स्टार्टल्ड मीन्स होता है सरप्राइज्ड एंड स्लाइटली फ्राइटेंड, थोड़ा डरा हुआ। मीन्स इन दिस लाइन द पोएट इज सेइंग कि जो इस आवाज को सुन के, इस स्टार्टल्ड साउंड को सुन के, इट्स अ फ्रेज, ओके, एंड दिस फ्रेज माइट डिस्क्राइब अ सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट और एक्शन दैट हैपेंस स्विफ्टली एंड विथ पर्पज। ये जो आवाज होती है वो स्विफ्टली होती है और एक पर्पज से होती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट अ स्टार्टल्ड बर्ड फ्लाइंग अवे क्विकली इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट लाइक अ स्टार्टल्ड बर्ड। इस आवाज को सुन के ये जो बर्ड्स हैं जो थोड़ी डर जाती है सडन साउंड को सुन के, वो क्या करती है? एक स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, नॉर्थ की दिशा में इस आवाज को सुन के उड़ जाती है। फ्रेंड्स, इस पोएम में पोएट ने वैली के ब्यूटी को, उसकी कामनेस को और उसकी ट्रंक्वालिटी को डिस्क्राइब किया है, ओके? सो वी कैन से दैट इवनिंग ऑन द माउंटेन इज अ पोएम दैट कैप्चर्स द सेरेन ब्यूटी एंड ट्रंक्वाल एटमोस्फियर ऑफ अ माउंटेन लैंडस्केप एट डस्क। द पोएट डिस्क्राइब्स द सीन एज द सन बिगिंस टू सेट कास्ट अ वार्म गोल्डन ह्यू अक्रॉस द पीक। Friends, if you like the explanation, please do share to others, and very thank you for watching.